नमस्कार दोस्तों, परंपरागत वोटों के लिहाज से देखा जाए तो भी जालौर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के स्थायी वोटर भाजपा से ज्यादा हैं। पिछले तीन लोकसभा चुनावों के वोटों का वेरिएशन देखा जाए तो भी जालौर लोकसभा में भाजपा कांग्रेस से बहुत ज्यादा दूर नजर नहीं आ रही है। 2009 के चुनावों के आंकड़ों पर नजर डालें तो भी भाजपा कांग्रेस के परंपरागत वोटों से हारती हुई नजर आ रही है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस पिछले चार चुनावों में इस सीट पर 1999 से पहले जितनी मजबूत नजर नहीं आ रही? इसकी मूल वजह रही अशोक गहलोत की सरपरस्ती में यहां पर पनपाई गई गुटबाजी। यहां कांग्रेस के ऐसे क्षेत्रीय सत्रप खड़े हुए जिन्होंने खुद का कद कांग्रेस से ऊपर बनाने के चक्कर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का तूहन शुरू कर दिया था। पिछले सभी लोकसभा चुनावों के विधानसभावार आंकड़ों पर नजर डालें तो स्पष्ट प्रतीत हो जाएगा कि क्षेत्रीय सत्रप अपने प्रभाव वाले इलाकों में भी कांग्रेस को सफलता दिलवाने में नाकामयाब रहे। जालौर लोकसभा चुनाव के विश्लेषण से पहले इस लोकसभा को दो कालखंडों में बांटना होगा। एक कालखंड वो जब अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं थे, दूसरा कालखंड वो जब अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए थे। गहलोत के राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने से पहले 1977 को छोड़कर शेष समय जालौर लोकसभा की सभी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का दबदबा रहा। राजस्थान में 1998 के चुनावों में कांग्रेस की जीत के बाद अशोक गहलोत पहली बार यहां के मुख्यमंत्री बने। इस समय राजस्थान में कांग्रेस को 153 और भाजपा को 33 सीटें मिली थी। जालौर लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाली सभी 8 सीटों में से सिर्फ जालौर विधानसभा को छोड़कर शेष 7 सीटों पर कांग्रेस जीती थी। ये कांग्रेस का जालौर लोकसभा में अंतिम सबसे बेहतर प्रदर्शन था। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और फिर इस क्षेत्र में कांग्रेस ने अपनी जमीन खोना शुरू कर दी। अशोक गहलोत ने दोनों जिलों में धीरे धीरे अपनी करीबियों को इतनी ताकत दी कि वो कार्यकर्ताओं और दूसरे प्रभावशाली नेताओं के हितों को दरकिनार करते हुए उन्हें निगलने को आतुर हो गए। परिणाम स्वरूप कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। अशोक गहलोत के अपने करीबियों ने जो सबसे बड़ी गलती की वो ये थी कि यहाँ के कल्बी चौधरियों और देवासियों के नए नेताओं को कांग्रेस में जगह नहीं बनाने दी। जालौर जिले की जालौर और आहोर विधानसभा सीट पर अपनी महत्वाकांक्षा की फसल रोपने के लिए परंपरागत वोट बैंकों और प्रभावशाली नेताओं को दरकिनार करने की शुरुआत की पुखराज पाराशर ने। पाराशर उस जाति से ताल्लुक रखते हैं जिस जाति के वोट भी ज़्यादा नहीं हैं और हैं भी तो वो आंशिक रूप से भी कांग्रेस को वोट नहीं देते। अपना तीसरा कार्यकाल आते आते तो अशोक गहलोत ने पुखराज पाराशर को इस क्षेत्र में इतना हावी कर दिया कि उन पर ये आरोप लगने लगा कि उन्होंने जालौर जिला और जालौर व आहोर की ब्लॉक कार्यकारिणियों में से अपने करीबियों के अलावा दूसरे कांग्रेसी नेताओं और जालौर जिले में वोट के लिहाज से अपना प्रभुत्व रखने वाली जातियों की भागीदारी को भी आंशिक कर दिया। उनकी महत्वाकांक्षा थी कि वो आहोर सीट से चुनाव लड़े। पुरोहित जाति के प्रत्याशी को वहां से टिकट नहीं मिलता तो कांग्रेस से आहोर से पुखराज पाराशर ही चुनाव लड़ते, लेकिन जैसे ही भाजपा ने यहां पुरोहित जाति का टिकट दोहराया उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। स्थानीय कांग्रेसी आरोप लगाते हैं कि पुखराज पाराशर को अशोक गहलोत ने इस क्षेत्र में इतनी ताकत दे दी कि उन्होंने अनुसूचित जाति बहुल जालौर विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक को अपने करीबियों का हित साधने के चक्कर में खोने की परवाह नहीं की। दरअसल पुखराज पाराशर अशोक गहलोत के साथ उस समय से जुड़े हुए हैं जब गहलोत NSUI और यूथ कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारी हुआ करते थे। जोधपुर में 2019 में वैभव गहलोत की हार का एक प्रमुख कारण ये भी बताया जा रहा है कि अशोक गहलोत ने पुखराज पाराशर को वहाँ भी इतना हावी कर दिया था कि वहाँ के स्थानीय कांग्रेस नेता वैभव गहलोत के जीतने पर पुखराज पाराशर की वरदहस्ती में रहकर अपने स्वाभिमान से समझौता करने को तैयार नहीं थे। जालौर में भी
वैभव गहलोत की नामांकन सभा में मंच पर पुखराज पारेषर को सर्वे सर्वा बनाने की प्रतिक्रिया मंच के सामने पंडाल में बैठे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में दिखने लगी थी। जालौर, सिरोही और सांचौर जिले के कांग्रेस नेता भी फिलहाल जोधपुर वोट में जाते दिख रहे हैं। उन्हें भी वैभव गहलोत के यहाँ से जीतने पर पुखराज परिसर का हस्तक्षेप यहाँ बढ़ जाने की चिंता सताने लगी है। हाल में वैभव गहलोत के लिए सर्वे करती हुई टीम सिरोही में ये सवाल पूछती मिल गई कि संयम लोढ़ा को साथ घुमाने से फायदा होगा या नुकसान, जबकि तीनों जिलों में सर्वे टीम को कांग्रेस कार्यकर्ताओं से ये सवाल पूछना चाहिए था कि पुखराज परिसर को साथ रखने से फायदा होगा या नुकसान, क्योंकि संयम लोढ़ा, नीरज डांगी, रतन देवासी, समरजीत सिंह, सुखराम बिश्नोई ऐसे नेता हैं जिनके पीछे मतदाताओं का विश्वास है और इन लोगों का जनता की समस्याओं के लिए जुझारूपन का इतिहास भी रहा है। पुखराज परिसर के साथ ये दोनों ही चीज़ें नहीं। जालौर की सांचौर सीट पर अशोक गहलोत सरकार के मंत्री सुखराम बिश्नोई का दबदबा रहा है। यहाँ पर उन्होंने अन्य जाति के कांग्रेसी नेताओं को पनपने नहीं दिया। जातीय लिहाज से देखा जाए तो इस क्षेत्र में कांग्रेस चाहती तो चौधरी और देवासियों को भी साथ सकती थी। अशोक गहलोत और सुखराम बिश्नोई ने इस बार पथमेड़ा गौशाला के माध्यम से यहाँ पर पुरोहितों को साधने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम रही। जालौर लोकसभा क्षेत्र में ये मान्यता है कि जिसने सांचौर जीता वो जालौर जीता। पिछले लोकसभा चुनाव तक सांचौर जालौर जिले की तहसील थी, लेकिन अशोक गहलोत सरकार द्वारा बनाए गए नए जिलों में जालौर से काटकर सांचौर और आंशिक रानीवाड़ा तहसील को सांचौर जिले में शामिल कर दिया गया। जालौर लोकसभा में पहले जहां जालौर और सिरोही जिले आते थे, अब जालौर, सांचौर और सिरोही जिले आते हैं। यूं अशोक गहलोत को ये आशा थी कि सांचौर को जिला बनाने का फायदा उन्हें मिलेगा, लेकिन विधानसभा चुनाव में सुखराम बिश्नोई और जालौर के सांसद देवजी पटेल के कथित गठबंधन से यहाँ के लोग इस कदर परेशान थे कि यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी सुखराम बिश्नोई और भाजपा प्रत्याशी देवजी पटेल को हरा कर भाजपा के बागी जीवाराम चौधरी को विधायक चुना। जालौर लोकसभा में दो और सीटें पड़ती हैं, भीनमाल और रानीवाड़ा। भीनमाल में फिलहाल कांग्रेस के समरजीत सिंह विधायक हैं। उन्होंने लगातार तीन बार से यहां के विधायक रहे भाजपा के पूराराम चौधरी को हराया। समरजीत सिंह की राह भी गहलोत सरकार में आसान रही है। गहलोत सरकार के कार्यकाल में सचिन पायलट और गहलोत के बीच अदावतें बढ़ी तो इसका असर राजस्थान के अंतिम छोर पर स्थित विधानसभाओं तक पहुंचा। समरजीत सिंह पर सचिन पायलट के गुट के साथ नज़दीकी होने के आरोप लगे। समरजीत सिंह ने 2018 में भी कांग्रेस के टिकट से भीनमाल से चुनाव लड़ा था, वो हार गए। ऐसे में कांग्रेस की सत्ता होने पर उनके पास विधायकों वाले सारे प्रोटोकॉल होने चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ट्रांसफर पोस्टिंग और पसंदीदा अधिकारियों को लाने में भी उनकी नहीं चलने दी गई। यहाँ की बागडोर भी पुखराज परिसर के हाथों में होने का आरोप लगता रहा। रानीवाड़ा विधानसभा के वर्तमान विधायक रतन देवासी को भी अशोक गहलोत के इस कार्यकाल में कम प्रताड़ना नहीं मिली। उन्हें दो जगहों पर विफल करने का प्रयास निरंतर होता रहा। अशोक गहलोत सरकार के समय में ये काम जयपुर से ही होता रहा, एक रानीवाड़ा में, दूसरा माउंट आबू में। माउंट आबू में अपने दम पर कांग्रेस का बोर्ड बनाने के बावजूद रतन देवासी को दरकिनार करने के लिए ऐसे उपखंड अधिकारी और नगर परिषद आयुक्त बैठाए गए जो रतन देवासी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए रहे। स्थिति यहां तक पहुंची कि रतन देवासी के समर्थक कांग्रेसी नेताओं को उपखंड अधिकारी कार्यालय के सामने धरना भी देना पड़ा। इसके लिए इन अधिकारियों को जयपुर से मुख्यमंत्री कार्यालय से ऑक्सीजन मिलने का आरोप भी लगा। रानीवाड़ा में भी यही हाल था। समरजीत सिंह की तरह ही रतन देवासी 2018 में रानीवाड़ा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे और हार गए थे। कांग्रेस की सत्ता में आने पर विधायक वाले सारे प्रोटोकॉल इन्हीं के पास होने चाहिए, लेकिन ऐसा रानीवाड़े में भी नहीं हुआ। यहाँ भी उनका राजनीतिक हस्तक्षेप करने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन देवासी अपने क्षेत्र में लगातार लगे रहे। दोनों जगहों पर लोगों को राहत मिले इसके लिए वो पुखराज परिसर को लगातार अहमियत देते रहे, लेकिन मजाल क्या कि गहलोत सरकार में उनके द्वारा कहे गए काम हो जाएं।
इन विपरीत परिस्थितियों में भी 2023 में विधानसभा चुनाव में वो रणनीतिक सूझबूझ से चुनाव जीत गए। उखराज पाराशर का यहाँ भी हस्तक्षेप होने का आरोप लगता रहा। जालौर लोकसभा में पड़ने वाले सिरोही जिले की सिरोही विधानसभा सीट में कांग्रेस पर संयम लोढ़ा का एक छत्र राज है। मूल कांग्रेस को खत्म करके संयम लोढ़ा ने अपने जुझारू तेवरों से अपने लिए एक नई कांग्रेस तैयार की है, वो कांग्रेस जो जरूरत पड़ने पर मूल कांग्रेस से भी बगावत करने से नहीं चुकी, जैसा कि 2018 में हुआ। कभी अशोक गहलोत के करीबी रहने के कारण लोढ़ा 1998 और 2003 में सिरोही से कांग्रेस का टिकट लेकर लगातार दो बार विधायक बने, लेकिन 2008 आते आते सीपी जोशी से नज़दीकी की वजह से उनके और अशोक गहलोत के बीच टकराव बढ़ता गया। इसी दौरान रेवदर विधानसभा में संयम लोढ़ा के प्रमुख प्रतिद्वंदी बने नीरज डांगी को कांग्रेस से टिकट दिया गया। वो अशोक गहलोत के करीबी थे और आगे चलकर जिले में लोढ़ा के प्रमुख प्रतिद्वंदी के रूप में उभरे। गहलोत से अदावत का खामियाजा संयम लोढ़ा को 2008 और 2013 के चुनावों में हार के साथ चुकाना पड़ा। 2018 में निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद संयम लोढ़ा अशोक गहलोत के संकट मोचक बने। जिले में कांग्रेस के तत्कालीन जिला अध्यक्ष और 2018 में सिरोही विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी जीवाराम आर्य और उनकी टीम पर भी सचिन पायलट के करीबी होने का आरोप लगा। 2018 में सिरोही में कांग्रेस के प्रत्याशी होने और हार जाने के बाद जीवाराम आर्य को भी वही प्रोटोकॉल मिलना चाहिए था जो कांग्रेस के हारे हुए विधायक प्रत्याशी को मिलना था, लेकिन गहलोत के मुख्यमंत्री काल में समरजीत सिंह और रतन देवासी की तरह उन्हें भी खामियाजा झेलना पड़ा। नीरज डांगी 2013 में चुनाव हार चुके थे, उन्हें कांग्रेस ने राज्यसभा सांसद बना दिया था। ऐसे में सिरोही जिले की सिरोही विधानसभा और जिला मुख्यालय पर संयम लोढ़ा का दबदबा पड़ता गया। काफ़ी हद तक ये रेवदर और पिंडवाड़ा आबू विधानसभा में भी रहा। संयम लोढ़ा जुझारू नेता हैं, लेकिन जीतने के बाद सत्ता सुख सिर्फ खुद तक सीमित रखने और काम निकलने पर अपने कार्यकर्ताओं को दरकिनार करने के कथित आरोप से संयम लोढ़ा को 2008 की तरह 2023 में भी हार का मुंह देखना पड़ा। उनकी प्रताड़ना से आहत उनके खुद के करीबी कार्यकर्ताओं ने उनके लिए मन से काम नहीं किया। अशोक गहलोत ने संयम लोढ़ा के आगे जिले में किसी कांग्रेस कार्यकर्ता पर ध्यान नहीं दिया। विपर्जॉय के दौरान आबू रोड हवाई पट्टी की घटना इसका उदाहरण है, इसकी खबर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिले की पिंडवाड़ा आबू विधानसभा सीट पर अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री बनने के बाद से आरएसएस के वनवासी कल्याण परिषद ने अपना प्रभाव बढ़ा दिया था। अपने तीन मुख्यमंत्री काल में अशोक गहलोत यहां पर एक आदिवासी नेता खड़ा नहीं कर पाए। इस विधानसभा को नीरज डांगी और संयम लोढ़ा ने अपना अखाड़ा बनाए रखा। माउंट आबू रतन देवासी के हिस्से में थी, जिन पर अशोक गहलोत ने उपखंड अधिकारियों और नगर पालिका आयुक्तों को बिठा रखा था। इस क्षेत्र में आदिवासी बहुल कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक थे। कांग्रेस के द्वारा यहां पर मेहनत नहीं करने से यहां पर बने निर्वात को भारत आदिवासी पार्टी ने भर दिया और कांग्रेस के लिए इस विधानसभा में संभावनाएं सिकोड़ दी। जालौर लोकसभा की 8 सीटों पर अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल में सिर्फ 4 नेताओं को तरजीह दी। शेष 4 विधानसभाओं में जातिगत रूप से सक्षम बड़े नेताओं को प्रताड़ित करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब तकदीर का पहिया घूमा है, उनका पुत्र यहां से लोकसभा प्रत्याशी। जालौर लोकसभा सीट में अशोक गहलोत अपनी सरकार के जिन 4 नेताओं का एक छत्र राज स्थापित किए हुए थे, वो चारों ही यहाँ की किसी विधानसभा से विधायक नहीं। उखराज पाराशर और संयम लोढ़ा जैसे जिन नेताओं को सत्ता में रहते हुए सबसे ज़्यादा ताकत बख्शी थी, उनका अपना कोई जातिगत वोट बैंक नहीं। सुखराम बिश्नोई का जातिगत वर्चस्व है, लेकिन अन्य जातियों में वो अपनी महत्ता खो चुके हैं। अब यहाँ जिन नेताओं को प्रताड़ित किया, उनकी जातियों के वोट पर वैभव गहलोत की जीत का दारोमदार है। ऐसे में अशोक गहलोत की सबसे ज़्यादा आशा इन्हीं नेताओं पर टिकी है। यूँ पुखराज पाराशर के हस्तक्षेप से सुखराम बिश्नोई और संयम लोढ़ा भी अछूते नहीं रहे थे। इन्हें भी इनकी विधानसभाओं तक ही सीमित कर देने का आरोप पाराशर पर लगता रहा।
वैसे 2019 में जब वैभव गहलोत जोधपुर लोकसभा से चुनाव लड़े थे उस समय भी पुखराज पराशर और संयम लोढ़ा वहाँ सक्रिय थे। सूत्रों की माने तो वहाँ बाहरी नेताओं के दखल से स्थानीय कांग्रेसी खफा थे। जालौर सिरोही में संवाद कार्यक्रम में दिए गए भाषणों से यही पता लग रहा है कि इस बार वैभव गहलोत को जालौर लोकसभा से चुनाव लड़वाने में इन दोनों नेताओं के आश्वासन की भी अहम भूमिका रही। वैभव गहलोत ने जालौर लोकसभा में भाजपा की जीत को उतना आसान नहीं रखा है जितनी पहले तीन चुनाव में उसकी जीत रही है। यदि अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री के रूप में अंतिम कार्यकाल में स्थानीय कांग्रेसी नेताओं की राह में ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से चुभवाए गए कांटों का दर्द शांत हो गया होगा तो परिणाम कांग्रेस के पक्ष में भी बन सकते हैं, लेकिन वो दर्द उन्हें अब भी टीस दे रहा होगा तो इसकी आह चुनाव परिणाम में देखने को मिल सकती है। वैसे जालौर सिरोही सांचौर के जिन नेताओं की पिछले 5 साल में अशोक गहलोत ने एक ना सुनी उनसे वो अब जयपुर जोधपुर स्थित अपने निवास और जालौर सांचौर व सिरोही में भी मिल रहे हैं। इसका कितना प्रभाव पड़ेगा ये जून में चुनाव परिणाम आने पर पता पड़ेगा। धन्यवाद।